जी तो भाई आज ये थर्सडे का डेट, और अयान जो है ना वो जिद कर करके शकरकंदी लेकर आ गए थे, और उनको लगी हुई थी कि मम्मा शकरकंदी बना के दो। फिर मेरे पास तो कोयले ज़्यादा नहीं थे, तो वो एक दो कोयले पड़े हुए थे। तो फिर मैंने बोला वो तो चूल्हे पे किस तरीके से बनेगी। फिर मैंने अपने बचपन को मिस करते हुए, मैंने बचपन में जिस तरह से हम लोग खाते थे उस तरीके से इसको बना के दी, तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्योंकि हम लोग तो इतने भोले भाले थे, हम तो खा लिया करते थे। इस तरह नमक मिर्ची और सिरके का पानी मिक्स करके, खट्टा सा पानी बना के, और फिर उसमें शकरकंदी को बॉयल करके और डाल के पीस करके और खा लिया करते थे हम लोग। गलियों में हमारे ऐसे ही बिकती थी, पर आजकल के बच्चे ये कहाँ। हम लोग तो खाते थे, पर आयान ने तो बिल्कुल भी पसंद नहीं की। बोलने लगे मम्मा ये क्या पानी और शकरकंदी को डाल के दे दिया, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने ही 2 दिन तक वो खा के ख़त्म करी यहाँ पर। फिर मैंने आयान के पापा के लिए बनाए पापड़, और आप लोगों ने फुल व्लॉग को वॉच करना है। तो चलिए वालेकुम भाई, कैसे आप सब, आए हो आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जी बन रहे हैं पॉपकॉर्न, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी पापड़। और जी मैंने लगाई है मशीन और धोए हैं कपड़े, और हमारी लाइट भी चली गई है। चलो शुक्र है मेरा काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर बच्चे जो है ना खेल रहे हैं, और अभी बनाऊंगी चाय। और ये हस्बैंड चाट मसाला लेकर आए, और जी मैंने कुछ दराज से चीज़ें मंगाई हैं केक के सामान की, इंशाल्लाह मैं आप सबसे शेयर करूँगी जो भी मैं मंगाई है मैंने जब आ जाएंगी तो। और कल अजान को मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाना है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स। और अभी बनाएंगे हम बिरयानी भी, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से शेयर कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए अजान है, अजान अजान हाय कर दो। और अरमान नहा के आए। चलो फिर पापड़ तलते हैं, और फिर मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर बाद। देखिए यहाँ पर पॉपकॉर्न भी बनके तैयार हो गए, और ये जी हमारे पापड़ भी तो बनके तैयार हो गए हैं। और साथ में मैंने अपनी कढ़ाई को ढक दिया, और बर्तन मेरे फिर जमा हो गए और सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बर्तन कभी सिंक के ख़त्म नहीं होते, ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और देखें चूल्हा कितना गंदा हो गया है, चूल्हे को भी अभी वॉश करेंगे। और साथ ही चाय बना रही हूँ, और मेरा सॉक्स पेन भी ये इसका पकड़ने वाला जो होता है ना वो टूट गया, अभी नया लाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा मुझे। और ये मेरा जब से मेरी हमारा जो है ना अयान हुआ है ना, जब से नहीं है ये, अभी मैं लाई थी 2-3 4 महीने आई थिंक हुए होंगे, और ये जो है ना टूट फूट गया फिर से। और मैंने पता नहीं कितने चाय के जो है ना पतीलियाँ बदल ली, ठीक है। और अब मैं बना रही हूँ चाय अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो चले फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। मैंने अपने साथ बिठाया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 3 टमाटर हरी मिर्च ले लिए, और रोटी मैंने बना ली है। और यहाँ पर देखिए अब मैंने रख दी है अपनी कढ़ाई बनने के लिए, और मैं बिरयानी बनाती लेकिन थोड़ा सा चिकन रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा अब चिकन ही बना लेती हूँ। और पापड़ वगैरह फ्राई किए थे तो ऑयल बच गया था, तो मैंने सोचा अब इसमें जो है ना ये बना लेती हूँ, और साथ में काटेंगे हम टमाटर हरी मिर्च। और ऑयल मुझे अगर ज़्यादा लगेगा तो मैं हाफ निकाल लूँगी। तो अभी मैंने इसको दही में मिक्स करके मैंने करके रख दिया, तो सारे काफ़ी मसाले अभी टमाटर डालेंगे इसमें। तो चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर। कोयले का जो है ना स्मोक भी लगा लिया है, और यहाँ मैंने थोड़े 2-3 आलू डाले हैं, 2 ही सिर्फ, क्योंकि अरमान जो है ना निकाता चिकन, और मैंने कल परसों भी बनाई थी, उसमें से थोड़ी सी चिकन मैंने रख ली थी तो वो मैंने आज बना ली। तो चले फिर खाना खाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ देखिए अब अजान को ये गले जो आए हुए थे ना हमारे आए हुए थे, अब हमारे सही हो गए, लेकिन मेरे मुन्ने के हो गए। और मेरी एक बहुत ही प्यारी कस्टमर ने मुझे दी थी ग्रीन टी, तो मैंने वो ग्रीन टी पी थी, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे। और यहाँ पर गले अभी इसको भी मैं पिलाऊँगी, वो अभी तो मैं जो है ना बच्चों के लिए फिट गर्म कर रही हूँ इनका दूध, और अपने लिए बना रही हूँ चाय। और यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आप सबको, ये हमारे किचन की बिल्कुल सफाई क्लीन हो गई है, चूल्हा भी साफ हो गया है, और साथ में यहाँ पर भी मैंने वाइपर लगा दिया है क्योंकि बच्चे नहा कर आए थे, गीला गीला हो गया था। तो आज अभी ये मैंने इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि बिल्ली आ जाती है, हमारी बिल्ली एकदम से फिर अजान डर जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर और जब बिल्ली आती है ना तो पहले ये गिरते हैं, तो जब बिल्ली आ जाती है तो पता चलता है कि कोई बिल्ली या कोई जानवर आया है, ठीक है। मकसद जहाँ अक्सर चूहा भी आ जाता है तो गली से। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना दूध हमारा पक रहा है, और साथ में मैं जो है ना अभी चाय भी बना रही हूँ, और इनका दूध निकालती हूँ बच्चों
बच्चों ये भी खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जी तो भाई ये थी हमारी फ्राइडे रूटीन, और नमाज कुरान पढ़ने के बाद जो है ना नाश्ता, सबसे पहले उठे नाश्ता किया और उसके बाद नमाज़ कुरान पढ़ी, और फिर नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद शाम के टाइम पर लग गई थी मैं थोड़ा सा बच्चों को पापड़ वगैरह बना के देने में। और बच्चे तो खाएं या नहीं खाएं, लेकिन ज़्यादातर अयान के पापा ही पसंद करते हैं इन चीज़ों को, वही खाते हैं चटपटा। और मैंने तो मिर्चें नमक डालकर खूब मज़े से खाई, और जो है ना थोड़े से पॉपकॉर्न मुझसे जल गए थे, वो इसलिए कि मैं पापड़ तलने लगी तो पॉपकॉर्न से ध्यान हटा, वो एकदम से काले हो गए। लेकिन खैर इतने काले नहीं हुए थे, जो काले हुए थे तो वो निकाल दिए थे। और यहाँ पर खा रहे हैं हम लोग, इंजॉय कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।